नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं इंडियन रोजगार यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, फाइनली यूपीएससी ने NDA 1 का ऑफिशियल डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस वीडियो में मैं आपको सारी महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या लास्ट डेट रखी गई है, कब से आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे, सारी बातें आपको बताने वाला हूँ, तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, यूपीएससी द्वारा निकाला गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले ही बताया हुआ है, आज यानी 8 जनवरी 2020 को जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है और आज से ही आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट दोस्तों यहाँ पर जो रखी गई है वो रखी गई है 28 जनवरी शाम के 6 बजे। दोस्तों 28 जनवरी शाम के 6 बजे तक आप जो है UPSC NDA 1 का ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। दोस्तों अदर डिटेल की बात करूँ तो इन्होंने यहाँ पर बता दिया है, आपका जो एग्जामिनेशन है वो UPSC लेगी। कब लेगी? 19 अप्रैल 2020। ध्यान रखिए दोस्तों, 19 अप्रैल 2020 को आपका एग्जामिनेशन होगा। कौन सी? यहां पर दोस्तों यहां पर आर्मी नेवी एयरफोर्स विंग्स में 145th कोर्स रहेगा और 107th इंडियन नेवल एकेडमी में जो है ये कोर्स रहेगा, जो कि दोस्तों 2 जनवरी 2020 से आपकी ट्रेनिंग यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर पोस्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कुल पोस्ट जो है 418 रखी गई हैं, जिसमें नेशनल डिफेंस एकेडमी की कुल 370 पोस्ट हैं, जिसमें 208 आर्मी विंग के लिए, 42 नेवी और 128 जो है एयरफोर्स विंग के लिए रखी गई हैं। इसमें ही दोस्तों 28 ग्राउंड ड्यूटी जो है की पोस्ट भी रखी गई है। दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इंडियन नेवल एकेडमी 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम में, तो इसमें आपकी कुल 48 पोस्ट जो है रखी गई हैं। यहाँ पर दोस्तों क्वालिफिकेशन सेंटर्स की, एग्जामिनेशन सेंटर्स की अगर मैं बात करूँ तो आपका एग्ज़ाम दोस्तों ऑफलाइन मोड में होगा और इंडिया की मेजर सिटीज़ में दोस्तों यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर रखा गया है। आप अपनी चॉइस से जो भी आप एग्जामिनेशन सेंटर चूज़ करना चाहते हैं वो चूज़ कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो सबसे पहले ही इन्होंने बोल्ड अक्षर में लिखा हुआ है नेशनैलिटी। यहाँ पर दोस्तों अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप जो है अनमैरिड मेल कैंडिडेट होने चाहिए, यानी केवल और केवल अनमैरिड मेल कैंडिडेट ही जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों अगर मैं एज लिमिट की बात करूं तो अगर आप अनमैरिड मेल इंडियन कैंडिडेट हैं और आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2001 या फिर 1 जुलाई 2004 है, या फिर इन दोनों डेट्स के बीच की डेट ऑफ बर्थ है, तो ही आप जो है NDA 1 का जो है फॉर्म भर पाएंगे। तो डेट ऑफ बर्थ आपको फिर से बता रहा हूँ, 2 जुलाई 2001 या 1 जुलाई 2004 या इन डेट्स के बीच की डेट ऑफ बर्थ अगर आपकी है और आप अनमैरिड मेल कैंडिडेट हैं तो ही आप इसके लिए फॉर्म भर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एलिजिबिलिटी की, तो यहाँ पर दोस्तों एलिजिबिलिटी ध्यान से सुनिएगा, अगर आप दोस्तों आर्मी विंग को ज्वाइन करना चाहते हैं नेशनल डिफेंस अकेडमी की, तो आप दोस्तों यहाँ पर 12th क्लास पास आप जो है होने चाहिए। 10+2 पैटर्न के अकॉर्डिंग दोस्तों अगर आपने 12वीं कर रखी है या फिर आप 12वीं में अपियरिंग है, तो आप दोस्तों आर्मी विंग ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसमें कुल जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पोस्ट रखी गई है। अगर दोस्तों बात करूँ एयरफोर्स नेवल विंग ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी और जो है इंडियन नेवल एकेडमी 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम में, अगर आपने 12वीं फिजिक्स और मैथमेटिक्स से कर रखी है या फिर आप 12वीं में अपियरिंग हो, फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपके पास सब्जेक्ट है, तो आप दोस्तों आवेदन कर पाएंगे, तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर मैं अदर डिटेल की बात करूँ तो फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी उन्होंने बताए हुए हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड्स पर मैं आपके लिए एक डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें मैं आपको बताऊँगा आर्मी नेवी एयरफोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कितनी आपकी मिनिमम हाइट वेट और चेस्ट होनी चाहिए, उस पर मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा, तो उसका भी वेट आप जरूर से कीजिएगा। दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस की अगर मैं बात करूँ तो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस दोस्तों 100 रुपीज़ रखी गई है केवल जनरल कैंडिडेट के लिए। अगर आप SC ST या फिर दोस्तों आप कैंडिडेट या फिर सन है JCOs NCO ORS या फिर दोस्तों आपके पेरेंट्स जो है इनसे रिलेटेड हैं, तो आप जो है आपको किसी भी प्रकार की कोई भी फीस नहीं देनी होगी। बाकी सभी कैंडिडेट को 100 रुपीज़ फीस पे करनी होगी, जिसे वो ऑनलाइन मोड में पे कर सकते हैं 28 जनवरी 2020 शाम के 6 बजे तक, तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों और डिटेल की, तो इन्होंने सारी डिटेल नोटिफिकेशन में ही जो है मेंशन कर दी है। यहाँ पर दोस्तों आपका जो एग्ज़ाम होगा वो ऑफलाइन मोड में होगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। किसी भी प्रकार का कोई भी DA या फिर TA आपको नहीं दिया जाएगा। दोस्तों जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में जाएँ तो आपको ओरिजिनल आई कार्ड जो है
विद रोल नंबर आपको जो है लेकर जाना होगा, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप जो है रिजल्ट भी आपका जो है काफ़ी जल्द जो है बता दिया जाएगा। अगर दोस्तों मैं बात करूँ यहाँ पर आपके एग्जाम पैटर्न की, तो आपका जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, आपके कुल जो है दो पेपर्स होंगे। पहला रहेगा मैथमेटिक्स का, जिसकी ड्यूरेशन रहेगी 2.5 घंटे की, जिसमें आपके मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 300। इसी प्रकार आपका जो पेपर टू होगा, जो कि जनरल एबिलिटी टेस्ट का होगा, इसमें भी आपकी ड्यूरेशन रहेगी 2.5 घंटे की और मैक्सिमम मार्क्स आपके 600 रहेंगे। कुल मिलाकर दोस्तों आपके 900 मार्क्स रहेंगे रिटन एग्जाम के, और 900 मार्क्स ही आपके SSB टेस्ट या फिर इंटरव्यू के रहने वाले हैं। ओवरऑल दोस्तों कहने का ये मतलब है कि आपको मैक्सिमम जो है स्कोर करना होगा। अगर चाहते हैं कि मैं आपके लिए सिलेबस पर भी एक डिटेल वीडियो लेकर आऊँ, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, एक डिटेल्ड वीडियो मैं आपके लिए सिलेबस पर भी लेकर आऊँगा। बाकी दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। काफ़ी अच्छी रिक्रूटमेंट है, अगर आप 12वीं कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं तो आप ज़रूर से इसके लिए फॉर्म डालिएगा। दोस्तों 12वीं के बाद आप जो है इंडियन नेवी एयरफोर्स में डायरेक्ट ऑफिसर रैंक पर जो है ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी दोस्तों कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, आप बेझिझक वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको एक और नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।